Good morning, students. Today we will learn subtraction of length. So students, last class में हमने addition of length सीखा था. मतलब हमने length का हम addition कैसे करते हैं हमने वो सीखा था. तो जैसे आपने length का addition किया, वैसे ही आपको subtraction करना है. ठीक है? तो आपका जो उसका हमने जो भी यहाँ पे units लिखी थी, ठीक है? यहाँ पे हमने units लिखी थी and फिर उसको हमने add किया था उनके digits को लिख के. तो वैसे ही आपको normal जो addition आपने किया, वैसे ही आपको यहाँ पे normal subtraction करना है. सिर्फ क्या होगा, वहाँ पे ऊपर आपके units होंगी तो उसके according आपको उसे solve करना होगा. Okay? तो हम start करते हैं हमारा subtraction of length. तो इसका first question है, देखो मीटर एंड इधर यहाँ इधर सेंटीमीटर में, ओके? फिफ्टी सिक्स, नाइनटी एट, ट्वेंटी थ्री, एट सेवन, ओके? अब आपको इसको सब्ट्रैक्ट करना है. कैसे करेंगे हम इसे सब्ट्रैक्ट? देखो, इधर है आपका सेंटीमीटर एंड यहाँ है आपका मीटर. तो सेंटीमीटर और मीटर दोनों में दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमारे दोनों के कॉलम्स बनता है सेंटीमीटर एंड मीटर के. तो आप पहले कहाँ से शुरू करते हैं? हमेशा आप एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया या फिर मल्टीप्लिकेशन हो गया, तो हम उसे राइट साइड से स्टार्ट करते हैं. ओके? तो देखो, हम राइट साइड का फर्स्ट कॉलम पहले सॉल्व करेंगे, देन सेकंड करेंगे, फिर थर्ड, फिर फोर्थ कॉलम हम करेंगे. जैसे आप नॉर्मल सब्ट्रैक्शन करते हैं वैसे इसे सॉल्व कीजिए. उसके बाद आपको बस यहाँ पे कैसे रीड कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ. जैसे आपने एडिशन में रीड किया वैसे इसे रीड करेंगे. ओके? तो हम पहले सब्ट्रैक्ट करते हैं. तो एट जो ये कॉलम है हमारा राइट साइड से, फर्स्ट कॉलम वंस, वंस वाले कॉलम को हम पहले सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो एट में से आप सेवन को अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपका आंसर क्या आएगा? वन. तो एट में से मैंने सेवन को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा आंसर आया वन. ओके? फिर आप सेकंड कॉलम पे जाते हैं, तो नाइन में से अगर आप फोर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा बच्चों? नाइन में से फोर को सब्ट्रैक्ट करने पर आपका आंसर आता है फाइव. तो हमारा ये सेंटीमीटर वाला कॉलम कंप्लीट हुआ. ओके? अब हम मीटर वाले कॉलम पे जाते हैं. तो देखो, सिक्स में से आप थ्री को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सिक्स में से थ्री को अगर हमने सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आएगा? सिक्स में से थ्री को सब्ट्रैक्ट करने में हमारा आंसर आएगा थ्री. देन अब लास्ट वाले कॉलम को करेंगे, फाइव में से टू को आपने अगर सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आएगा? थ्री. तो देखो बच्चों, ये क्या हो गया आपका, इसको हम कैसे रीड करेंगे? 33 मीटर एंड 51 सेंटीमीटर. तो जो मीटर वाले कॉलम के नीचे उसे आप मीटर में रीड करें एंड जो सेंटीमीटर वाले कॉलम के नीचे उसे आप सेंटीमीटर में रीड करें, तो क्या हो जाएगा ये 33 मीटर एंड 51 सेंटीमीटर. ठीक है? तो इस तरह से आपको उसे रीड करना है. अब सेकेंड क्वेश्चन हम देखते हैं, मीटर एंड सेंटीमीटर वाला. 58 एंड यहाँ है 09, ओके? तो आप इसे क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे. कैसे हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे? देखो, अब जैसे आप नॉर्मली सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये है आपका रीग्रुपिंग वाला, ठीक है? क्या ही वाला? आपका सब्ट्रैक्शन. तो आप वही फिर से आप लास्ट वाले कॉलम को पहले सॉल्व कीजिए. तो देखो, 9 में से आप 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा आपका? 8. 9 में से 1 को अगर आप माइनस करते हैं तो आपका आंसर आता है 8. ओके? अब देखो, यहाँ पे देखो, सेकंड जो कॉलम है उसमें यहाँ 0 है एंड यहाँ 8 है. अब 0 में से आप 8 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, इसलिए हम इसका जो पास वाला जो नंबर है 8, ये वाला, इससे आप 1 कैरी करेंगे, सॉरी बोरो करेंगे, है ना? तो 1 हम इससे बोरो करेंगे, बोरोइंग वाली ये हमारा सब्ट्रैक्शन है, तो हम इससे 1 बोरो करेंगे. तो देखो, 8 यहाँ पर है तो यहाँ कितना बच जाएगा आपका? यहाँ हो जाएगा 7 एंड 1 कहाँ चला जाएगा आपका? 0 के पास. तो ये कितना हो गया बच्चों? ये हो गया आपका 10. ओके? अब 10 में से अगर आप 8 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना आंसर आएगा? 2. तो आपको एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन जो है आपको वो सबको अच्छे से आता है. ठीक है? बस हम यहाँ पर इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं. ओके? तो अब ये आपका सेंटीमीटर वाला कॉलम कंप्लीट हुआ. अब आप मीटर वाले कॉलम में देखिए, यहाँ पे कितना है? पहले 8 था लेकिन हमने 1 इधर दे दिया, तो यहाँ कितना बचा हमारा? 7. अब 7 में से अब 7 को सेपरेट करेंगे, मींस माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 0. एंड अब यहाँ कितना है? 5.
तो इसे हम कैसे रीड करेंगे, 30 मीटर एंड 28 सेंटीमीटर। तो बच्चों यहाँ पे 58 मीटर एंड 9 सेंटीमीटर को अगर आपने 27 मीटर एंड 81 सेंटीमीटर में से सब्ट्रैक्ट किया तो आपका आंसर आया 30 मीटर एंड 28 सेंटीमीटर, है ना। जैसे मैं रीड कर रही हूँ वैसे ही आपको भी रीड करना है। मीटर वाले कॉलम के नीचे अगर जो डिजिट नंबर दिया हुआ है आपको उसे मीटर में रीड करना है, सेंटीमीटर वाले को आपको सेंटीमीटर में करना है। ओके, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे। तो इसमें हम किलोमीटर एंड मीटर को करेंगे, ठीक है। किलोमीटर एंड मीटर वाले जो हमारी यूनिट है उसमें हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो किलोमीटर इधर लिखूंगी मैं, इधर लिखूंगी मीटर। ये है 28 एंड यहाँ 2, 4, 6, तो 1, 7, 1, 3, 2 आपको इसे सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, तो कैसे हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे हमारा किलोमीटर में दिया हुआ है, यहाँ मीटर में दिया हुआ है, तो बिल्कुल ये वैसा ही है, बस क्या फर्क पड़ गया, यहाँ पे हम मीटर की जगह किलोमीटर रीड करेंगे, यहाँ सेंटीमीटर की जगह हम मीटर में रीड करेंगे, सिंपल। ओके, तो मीटर वाला कॉलम आपका क्या होगा, हमेशा 3 digit वाला होगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप किलोमीटर मीटर में कर रहे हैं तो आपका मीटर वाला जो कॉलम है वो 3 digits में होगा। तो हम लास्ट वाला कॉलम पहले सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ 6 है, 6 में से अगर आपने 2 को सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आएगा बच्चों, 4। उसके बाद 4 में से अगर आपने 3 को सब्ट्रैक्ट किया तो आपका आंसर आएगा 1। देन नेक्स्ट कॉलम में आप देखिए 2 में से 1 को अगर हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1। तो आपका मीटर वाला कॉलम कंप्लीट हुआ। अब हम किलोमीटर वाले पे देखते हैं। अब ये वाला कॉलम हम पहले सॉल्व करेंगे, 8 एंड 7 वाला हम पहले सॉल्व करेंगे, फिर 2 एंड 1 वाला करेंगे। तो 8 में से 7 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 1। फिर हम 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 1। तो ये जो आपका आंसर आया है उसे हम कैसे रीड करेंगे, 11 किलोमीटर एंड 114 मीटर्स। ओके, तो इस तरह से आपको इन्हें रीड करना है। किलोमीटर वाले के नीचे जो है आपको उसे किलोमीटर की यूनिट में रीड करना है, एंड मीटर वाले के नीचे जो है आपको उसे मीटर में रीड करना है। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा 4th एग्जांपल, किलोमीटर एंड यहां मीटर, 72 361 36 721, ठीक है। तो आपको इसे सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये है आपका बोरोइंग वाला सब्ट्रैक्शन। तो बच्चों ये वाले थे आपके सिंपल सब्ट्रैक्शन एंड ये दोनों आपके बोरोइंग वाले सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो अब इसे आप वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हमने ऊपर वाला किया। तो देखो पहले हम मीटर वाले को सॉल्व करेंगे फिर किलोमीटर वाले को। तो हमारा जो फर्स्ट कॉलम है वो क्या है, देखो 1 1, तो 1 में से अगर आपने 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आएगा, 0। देन फिर नेक्स्ट कॉलम देखिए आप, 6 में से अगर आपने 2 को सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आएगा, 4। अब इधर देखिए आप, यहाँ है 3, 3 में से आप 7 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते इसलिए हम इस 2 से 1 बोरो लेंगे, ठीक है, बोरो करेंगे। तो यहाँ 2 की जगह क्या रह जाएगा, 1, एंड 1 1 को हम यहाँ भेज देंगे। तो ये हो गया हमारा 30, 30 में से आप 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आएगा 6। तो हमने यहाँ 6 लिख दिया। अब यहाँ है आपका 1, 1 में से आप 6 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते इसलिए हम यहाँ 7 से 1 बोरो करेंगे, तो यहाँ 11 हो जाएगा एंड यहाँ रह जाएगा आपका 6। तो अब देखो 11 में से आप 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 11 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करने का आपका आंसर आएगा 5। तो मैं यहाँ 5 लिखूंगी एंड अब आप इसको सॉल्व करें, 6 में से 3 को अगर आप माइनस करते हैं तो कितना बचेगा, 3। तो आपका आंसर कितना आया, 35 किलोमीटर एंड 614 मीटर्स। तो इस तरह से आपको जो लेंथ है उसका सब्ट्रैक्शन करना है। जैसे आप एडिशन किए करते हो वैसे ही आपको सब्ट्रैक्शन करना है, आपको नॉर्मल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करना है। सिर्फ इसमें क्या है, किलोमीटर एंड मीटर एंड यहाँ है मीटर एंड सेंटीमीटर। ओके, तो आपको बस इनका ध्यान रखना है। ओके स्टूडेंट्स।